इस बार ऐसे सचिन ने बिल कर दो। आज वो बंदा नहीं आया जो बोल रहा था उस दिन कल कि सर वो तो VTY लाइंस के ऊपर 0 to 4 के अंदर ही SSH नहीं चलता, कंसोल पे चलता है। क्या कंफ्यूज था वो गाड़ी वाला जो नहीं है। पांच और एक और ले लेते हैं, 6। नेटवर्क की कनेक्टिविटी किससे जोड़ी है? 0x0 इंटरफेस से, राउटर के। स्विच को अभी टेलनेट SSH नहीं कर रहे हम लोग, स्विच को जब स्विचिंग चलेगी तब करेंगे। नेटवर्क डिवाइस है उसको टेलनेट करके कॉन्फ़िगर नहीं करेगा। सो कॉन्फ़िगर करें राउटर को। फर्स्ट वी विल असाइन दी आईपी एड्रेस, होस्ट नेम दे दिया राउटर का, राउटर 1। मेरी 1 की जो नहीं है वो ढंग से चलती नहीं है, कई बार धोखा देती है। उसके बाद इंटरफेस F0x0 आईपी एड्रेस, ये भी नहीं चल रही एड्रेस। कोई नेटवर्क बता दो। 192.168 10 का दे दें, 10.0.0.1 /24 का दे रहा हूँ, 10 का भी। इंटरफेस नो शट करने, क्यों करना बताने की जरूरत। आईपी DHCP पूल LAN 1, नेटवर्क 10.0.0.0, सबनेट मास्क क्योंकि 255/24 का दिया है तो इसलिए यहाँ पर भी 24 का। उसके अलावा डिफॉल्ट राउटर DNS IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस 10.0। ठीक, डू शो, शो हिस्ट्री पूल बना दिया और एक्सक्लूड करा दिया एक आईपी एड्रेस। अब यूजर्स को आईपी एड्रेस दिलवा दे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब करेंगे SSH की कॉन्फ़िगरेशन। अपने SSH वाले पेज खोल दो जरा, जहाँ लिखा था SSH। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कराए थे उसमें SSH करवाया था।
देखो बोलो क्या क्या लिखवाया था। और क्या कहानी लिखवाई थी? क्रिप्टोग्राफिक कीज बताया था, वहाँ कुछ साइज वाइज के बारे में बताया था, वर्जन 1 वर्जन 2 करी थी ये बातें। अब देखो कल की कमांड कुछ कॉमन सी रहेगी। देखो कल लास्ट वाला पार्ट जो था उसमें हमने यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस के ऊपर क्या करा था, टेलनेट इनेबल करा था। कमांड लगभग लगभग सेम है। पहले क्या कर रहा हूँ, यूजर नेम क्या डाल देता हूँ, सिस्को। पासवर्ड क्या डाल देता हूँ, एक मिनट के लिए मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, नो नो होस्ट नेम कर रहा हूँ, कुछ रीज़न है उसके लिए, समझाने के लिए कि पहले मैंने चेंज कर दिया था गलती से, मेरे को एक्चुअली चालू करना चाहिए था नॉर्मली बट ध्यान नहीं रहा। अब लाइन VTY 0 to 4 के ऊपर मैंने बोल दिया क्या, लॉगिन। ये कमांड कल भी चलाई थी हमने लास्ट पार्ट के अंदर, जब हम लोगों ने टेलनेट यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस के ऊपर इनेबल करना था। ट्रांसपोर्ट इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑल, मतलब टेलनेट और SSH दोनों ही चल रहे हैं, तो मैं उसको अभी भी नहीं छेड़ रहा हूं, उसको ऑल ही रहने दे रहा हूं। अब गाइस SSH बाय डिफॉल्ट, टेलनेट बाय डिफॉल्ट इनेबल ही होता है, क्यों, क्योंकि इनेबल का मतलब ये है ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल। हाउएवर द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द टेलनेट और SSH आर नॉट फुलफिल्ड बाय डिफॉल्ट। क्या कोई राउटर के ऊपर IP एड्रेस होता है बाय डिफॉल्ट? क्या उसके ऊपर कोई यूजर नेम पासवर्ड डिफाइंड होता है? क्या कोई इनेबल पासवर्ड सेट होता है? क्या कोई VTY लाइंस के ऊपर हम लोगों ने पासवर्ड जो चेक करा था वो होता है बाय डिफॉल्ट? नहीं। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं, ये जब चल नहीं रहा है तो आप टेलनेट इनेबल, टेलनेट चला नहीं सकते। टेलनेट इनेबल है बट उसकी रिक्वायरमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चल नहीं रही है, तो इसी रीजन की वजह से आप बक्सा खरीद कर उसके ऊपर टेलनेट करने की कोशिश करोगे तो टेलनेट नहीं होगा। नॉट इवन इफ यू गिव द IP एड्रेस ऑल्सो, अगर आपने IP एड्रेस भी दे दिया उसके बाद में भी नहीं। अभी देखोगे तो टेलनेट तो इनेबल हो गया है, पर क्या हमने अभी इनेबल पासवर्ड दिया है? प्रॉब्लम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। टेलनेट इनेबल हो गया है, मैं अगर अभी करूं टेलनेट 10.0.0.1, यूजर नेम क्या था, पासवर्ड क्या था, तो फिर कर लो इसको। मैंने यहां डाला क्या बोल रहा है, दिस इज द रीजन यू नीड टू हैव एन इनेबल पासवर्ड सेट। जब आप कंसोल के थ्रू लेते हो एक्सेस, कैसे लिया था मैंने, यहां जब क्लिक करता हूं तो कैसे लेता हूं, सीधे सीधे आ जाता हूँ कंसोल के टाइम में, ये इनेबल पासवर्ड नहीं पूछता, बट जब टेलनेट और SSH करूँगा तो ये मस्त है, इनेबल पासवर्ड पूछेगा ही पूछेगा, और इनेबल पासवर्ड अगर सेट नहीं होगा तो आगे जाने नहीं देगा मेरे को। लॉगिन कर मैंने देखा तो लॉगिन तो हो गया हूँ मैं, राउटर लिखा हुआ आ रहा है मतलब लॉगिन तो हो गया हूँ, बट मुझे आगे जाने नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि इनेबल पासवर्ड सेट नहीं है। तो वी मस्ट हैव एन इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट, जो भी आपको दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो सेट होना जरूरी है। तो कंसोल से हम लोग एक काम कर रहे हैं, इनेबल
आज सीक्रेट कर लेते, कल पासवर्ड कर लिया था ना, तो आज इनेबल सीक्रेट कर लेते हैं। इनेबल सीक्रेट क्या लिख दूं, ए बी सी डी। ओहो यार, एक तो एक्स वाई जी 0987, एक्स वाई जी, ये हमने इनेबल सीक्रेट डाल दिया है। आप जो वो मर्जी हो वो डाल लो, बट इनेबल पासवर्ड या इनेबल सीक्रेट में से दोनों में से एक चीज होना जरूरी है SSH के लिए, या टेलनेट के लिए भी बोलूँ तो। ठीक है, अब हमारा बेसिक काम तो हो ही गया। जैसे मैंने यहाँ पर सेट करा, मैं यहाँ आया, मैंने क्या रखा, इनेबल पासवर्ड क्या है, एक्स वाई जी 0987 आ गया भाई। तो टेलनेट तो चल रहा था पहले से ही, मैंने बोला जैसे कि टेलनेट और SSH की सर्विसेज ऑलरेडी इनेबल होती है, बट उसकी रिक्वायरमेंट जो नहीं होती, लॉग इन करने का मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं है। अब जब मैंने लाइन VTY 0 to 4 और उसके बाद में लॉग इन लोकल लिखा, तो क्या समझाया मैंने कि भाई VTY लाइन्स को कोई भी एक्सेस करेगा। VTY लाइन्स का मतलब क्या है, कोई भी रिमोट एक्सेस इस डिवाइस का लेगा तो उसको लॉग इन मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा, लोकल डेटाबेस वाला। जो लॉग इन लोकल जो लिखा था ना मैंने, वो क्या है, एक लोकल डेटाबेस चेक करो, जब कोई लॉग इन करने की कोशिश करे VTY लाइन्स को यूज कर। VTY लाइन्स को यूज करेगा तो कौन सी सर्विसेज यूज करेगा, टेलनेट या फिर SSH। तो ये तो था टेलनेट, बड़े आराम से हो गया। अब ये सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर नहीं है, तो इसको सिक्योर करने का कोई और तरीका तो है नहीं। टेलनेट को छोड़ो और किसको चलाओ, SSH को चलाओ। तो SSH के लिए सिक्योर करने के लिए क्या तरीका होता है, सिक्योर कैसे करोगे, जो इंक्रिप्शन करेंगे। इंक्रिप्शन के लिए आपको चाहिए होती है क्या, क्रिप्टोग्राफी कीज। तो हम लोग को इस राउटर को क्या देनी पड़ेगी, क्रिप्टोग्राफी कीज। सो कमांड चलती है क्रिप्टोग्राफी कीज बनाने के लिए, क्रिप्टो की जनरेट, और क्या लिखा आगे, RSA। RSA stands for Revius Shamir Edelman। ये तीन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर एल्गोरिदम बनी हुई है, RSA एल्गोरिदम, जो कि क्रिप्टोग्राफिक कीज के लिए यूज में आती है। मैंने कमांड चलाई पर उसने कमांड एक्सेप्ट नहीं की, बोल रहा क्या है, इसीलिए मैंने होस्टनेम डिफॉल्ट वापस लेकर आया था, कि अगर आप क्रिप्टोग्राफिक कीज जनरेट करने की कोशिश करोगे तो वो बोल देगा भैया अगर आपका राउटर का नाम डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट राउटर का नाम क्या होता है, राउटर। स्विच के ऊपर अगर चला रहे होते तो स्विच का नाम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्विच, वो अलाउ नहीं करेगा, क्रिप्टोग्राफिक कीज जनरेट करने को अलाउ ही नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी रीजन है, अभी बताता हूँ। मैंने चेंज कर दिया, मैंने, उसने बोला भाई डिफॉल्ट नाम से चेंज करो, तो मैंने बोल दिया भाई ठीक है, हमने आपकी बात मानी और नाम चेंज कर दिया है, डिफॉल्ट से कोई भी और नाम, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो मर्जी आपको लगता हो, वो नामकरण कर दिया राउटर का। अब नेक्स्ट, फिर से मैंने कमांड चलाई, बोलता है अब ये एक और नया ड्रामा, डोमेन नेम, बोलता है भैया डोमेन नेम एक डिफाइन करना पड़ेगा आपको। क्यों डिफाइन करना पड़ेगा, अब ये भी रीजन है, आईपी डोमेन की वो चल नहीं रही ना, ए टाइप तो कर रहा हूं बट की कई बार नहीं चल रहा, कई बार तो दो बार चल जाता, वन और ए मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। अब कीबोर्ड सही कराऊंगा छुट्टी के अंदर। और डोमेन नेम डाल दो भाई, मैंने डाल दिया जो आपका मन हो वो,
यहाँ वो ये डोमेन नेम मतलब डीएनएस से मतलब नहीं है, ये डीएनएस से मतलब नहीं है, इस राउटर का एक डोमेन नेम डाल दिया। फिर से की जनरेट कराने की कोशिश करी। अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ये अप एरो की डाउन एरो की यूज कर रहा हूँ, लास्ट कमांड्स बताता है। ठीक है, जैसे याद है आपको यही कमांड चलाई थी तो ये बताता। अब आपको समझ में आएगा भाई ये डोमेन नेम और होस्ट नेम का मतलब क्या था। क्रिप्टोग्राफिक कीज जो बनेगी उनका नाम लिया जाएगा, उनका नाम दिया जाएगा, और वो नाम कैसे दिया जाएगा, होस्ट नेम और डोमेन नेम को जोड़कर उन क्रिप्टोग्राफिक कीज को नाम दिया जाएगा। इसलिए राउटर का नाम डिफॉल्ट राउटर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होगा तो चार राउटर आपके नेटवर्क में, चारों का नाम सेम, चारों की कीज सेम, कंफ्यूजन हो सकता है किसकी की बात कर रहे हो। समझ में आई बात? तो इसीलिए आपको जब क्रिप्टोग्राफिक कीज जनरेट कराओगे तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, होस्ट नेम और डोमेन नेम डिफॉल्ट से अलग कुछ रखना पड़ेगा। डोमेन नेम भी, डोमेन नेम डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, डोमेन नेम तो होता ही नहीं है बाय डिफॉल्ट, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो की का नाम चाहिए था, और वो की का नाम कहां से पिक करता है अपने आप राउटर, होस्ट नेम और डोमेन नेम से। इसीलिए वो बोल रहा था भाई पहले की जनरेट कराने से पहले आप एक काम करो, पहले होस्ट का नाम चेंज कर दो और डोमेन नेम भी डिफाइन कर दो। अभी क्लियर है? इसके बाद पूछ रहा है चूज द साइज ऑफ द की मॉड्यूलस। मैंने आपको बोला था की के साइज के अकॉर्डिंगली कौन सी चीज चलती है, वर्जन। एसएसएच का वर्जन की के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने पेजेस बदलोगे और एसएसएच वाली जो लाइंस मैंने पढ़ाई थी आपको उस पर जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको एसएसएच के वर्जन्स आरएसए कीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कीज यू हैव डिफाइंड द वर्जन विल गेट इनेबल्ड अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने एक और शायद लाइन लिखवाई हो, 360 से लेकर 760 तक अगर आपका की का साइज रखते हो तो वो कीज जनरेट करेंगी वर्जन 1 को, और अगर आप 761 से 2048 तक रखते हो तो वर्जन 2। अब नेचुरली की का साइज मतलब ताला भी बड़ा, बड़ा ताला कहाँ लगाते हो, घर के आगे। जब कहीं बाहर ट्रैवल करते हो तो अपने सूटकेस के ऊपर इतना बड़ा तो ताला नहीं लगाते ना, कि लॉकर लगा भाई। ठीक है, बट द पॉइंट हेयर इज द बिगर द की इज द मोर सिक्योर द बेटर सिक्योरिटी यू आर प्रोवाइडिंग, द बेटर इंक्रिप्शन यू आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, सो अब ये जो नेक्स्ट लाइन है बोल रहा है हाउ मच बिट्स इन द मॉडुलस यू वॉन्ट, बिसाइड्स दैट ब्रैकेट में बोल दिया 512 रख दू। ये खुद आगे होकर पूछ रहा है भाई 512 रख दें। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे ब्लैंक के अंदर एंटर कर देते हो तो 512 साइज का की जनरेट होगा और एसएसएच वर्जन 1 इनेबल होगा। देखो ये है पैकेट ट्रेसर, पैकेट ट्रेसर एग्जैक्टली जैसा मैंने लिखवाया आपको वैसा बिहेव नहीं करता, बट रियल डिवाइस आपको जैसा मैंने लिखवाया वैसा बिहेव करेगी। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, ये इंफॉर्मेशन आती है एक्सपीरियंस से जो हम लोगों ने गेन कर रखा है। बुक्स आपको लिखवाएगी, बुक्स आपको बोलेगी की का साइज कितना होना चाहिए, वर्जन 1 तक, वर्जन 1 के लिए बुक्स बोलेगी की का साइज कितना होना चाहिए, मैक्स मिनिमम 768 पर, 768 तक आपका वर्जन 1 इनेबल होगा, बुक बोलती है। और 768 से ऊपर के ऊपर मतलब 767 के ऊपर सॉरी
आपका वर्जन वन चलेगा, 768 से आपका वर्जन टू हो जाएगा, बुक्स बोलती हैं। बट मैंने क्या लिखवाया आपको, 360 से 760 तक, ये थोड़ा सा डिफरेंस लिखवाया था कंफ्यूजन ना करना, ये एक्सपीरियंस है। रियल डिवाइस का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। कभी किसी को ग्रेस वेस मिली है? शायद नहीं मिली हो, अपने पड़ोसी इधर उधर किसी को मिली हो, यहाँ पर मेरे को तो मिली भी है या शायद नहीं मिली, आई डोंट नो। मैथ्स में 33 नंबर आए थे, पता नहीं ग्रेस तो नहीं लिखा हुआ था बट शायद, ठीक है। सो ग्रेस क्या होता है, किसी बंदे के मार्क्स आए 33 नंबर हुआ करते थे पासिंग मार्क्स, है ना, किसी के बंदे के मार्क्स आए 32 या 31, किसी बंदे के मार्क्स आए 32 या 31, तो एक दो नंबर की ग्रेस मिल जाती, बोलते यार चल छोड़ना है, पास कर देते बंदे को, ठीक है। उसकी राइटिंग वाइटिंग अगर अच्छी है, ओवरऑल ईयर बाकी सब जगह के ऊपर ठीक रहा है, बिहेवियर ठीक रहा है, तो ग्रेस मिल जाती थी। सिमिलरली यहाँ पर ये 8 बिट्स की ना ग्रेस दे देता है, ले यार चल 761 के अंदर ही इनेबल कर देता हूँ वर्जन 2। ये रियल डिवाइस का बिहेवियर है, पैकेट ट्रेसर का नहीं है। पैकेट ट्रेसर बिल्कुल बुक फॉलो करेगा, पैकेट ट्रेसर बुक फॉलो करेगा। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे दिखा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको GNS के ऊपर। GNS एग्जैक्टली रियल डिवाइस की जैसे वर्क करता है। तो अभी इसके ऊपर करते हैं, फिर एक बार GNS के ऊपर कर लेते हैं और पता लग जाएगा गेम क्या है, ठीक है। दोनों में फर्क भी पता लग जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कितनी साइज, 761। टेक्निकली कौन सा वर्जन चलना चाहिए, वर्जन 2, बट ये पैकेट ट्रेसर है, ये कितने पर वर्जन 2 इनेबल करता है, 768 पर। 768 से नीचे इनेबल नहीं करेगा, ये 1 ही इनेबल करेगा। 1 को एक और नंबर दिया जाता है 1.5, ये भी लिखवाया था मैंने। वर्जन 2 को बोलते हैं 1.99, वर्जन 1 को बोलते हैं 1.5, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, डायलॉग बाजी तो रियल डिवाइस में भी ऐसी ही आएगी बट वर्जन 2 इनेबल होगा। नीचे लाइन क्या बोल रही है, SSH वर्जन 1.5 हैज गॉट इनेबल्ड, मतलब वर्जन 1 इनेबल हुआ, ठीक है। इन क्रिप्टोग्राफिक कीज को चेक करने की कमांड क्या होती है, प्रिविलेज मोड की, शो क्रिप्टो की माय पब की RSA। अगर आपको ये क्रिप्टोग्राफिक कीज चेक करनी है तो कमांड होगी शो क्रिप्टो माय पब की RSA। मैंने आपको ये भी बताया था RSA जो नहीं है वो एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है, दो कीज जनरेट करती है, पब्लिक की एंड। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये क्या है, ये कीज है, दो कीज है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। ऊपर वाली जो है ये पब्लिक की और नीचे वाली जो है ये क्या है, प्राइवेट की। अरे ऊपर वाली पर पब्लिक, हाँ हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। अरे पर्पस क्या है भाई, मैंने एक चीज और बताई थी कि प्राइवेट की से हमेशा डेटा क्या होता है, डिक्रिप्ट होता है, और पब्लिक की से क्या होता है, डिक्रिप्ट होता है। जनरल पर्पस की क्या होती है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है की इज नॉट एक्सपोर्टेबल, की इज नॉट एक्सपोर्टेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि की किसी को दी नहीं आई, इसका मतलब ये है कि ये की को कॉपी कर कहीं ना पेस्ट करो, क्योंकि इसका वर्क नहीं करेगी, ऐसे वर्क नहीं करेगी ये,
कई लोग ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि इसको कॉपी कर कर यूज़ कर लिया तो ऐसे की यूज़ नहीं आएगी। बिसाइड्स दैट की पेयर जनरेटेड एट दिस दिस टाइम, ये वो की का नाम भी आ गया, एक ये सर्वर की है और एक सर्वर जहाँ लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये प्राइवेट की है। अगर इन कीज को डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व मतलब खत्म करना है, अभी तो जनरेट करी, जनरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो भी डिसॉल्व या जो भी आपको समझ में आता, मैं तो डिसॉल्व ही बोलता हूँ, खत्म करना है, डिस्कार्ड करना है इसकी को, डिलीट मारना है इसकी को, तो कमांड चलेगी ये वाली नहीं कि कल को आप ये कमांड चला दो, ये कमांड नहीं चलेगी, कुछ अलग कमांड है इसके लिए। अगर ये कमांड चलाई तो क्या बोलेगा, क्रिप्टो की जीरोइज आर एस ए, क्या बोल रहा है, सब हट जाएगा। मेरे को क्या करना है यहाँ पर, अरे साहब अभी मैं तो हटाकर हटाना लगाना ये बता रहा हूँ, मैंने अभी SSH का यूज थोड़ी ना करा है इसको, जैसे ही मैंने की हटाई क्या बोल दिया इसने, तो टेक्निकली मैंने बोला था ना आपको SSH और ये चल रहा होता है, बट इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक कीज ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया SSH भी बंद हो गया अपने आप। SSH मैंने कोई लिखा थोड़ी ना था कि SSH चलाओ, बट फिर भी जैसे ही की बनाई वो अपने आप SSH चल गया। तो जब भी आप ऐसा राउटर पे पकड़ोगे तो SSH अपने आप क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। सो नई कीज बनाते हैं, क्रिप्टो की जनरेट RSA, इस बार कितना रख देता हूँ। अब कौन सा लॉग आएगा, क्लियर है, पहले 1.5 आया था, अब क्या आया 1.99, कंफ्यूजन दूर तो हो गया। वर्जन 1 वर्जन 2 के ऊपर भी देख लिया। बिसाइड्स दैट डिफॉल्ट आपका, अगर आप अब ये तो हमारे पैकेट ट्रेसर वाले हैं कंप्यूटर, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं आती, बट व्हेन इट कम्स टू SSH, पहली बात तो ये कि आप सोचो मैं CMD के ऊपर से SSH कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। टेलनेट तो कर सकते थे, SSH नहीं कर सकते, तो ऐसा क्यों, क्यों नहीं कर सकते SSH कमांड प्रॉम्प्ट से, रीज़न कमांड प्रॉम्प्ट डजंट सपोर्ट क्रिप्टोग्राफी, कमांड प्रॉम्प्ट डजंट सपोर्ट क्रिप्टोग्राफी। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्रिप्टोग्राफी कीज जनरेट करानी है तो एक फाइल आती है विंडोज़ की, ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, रजिस्टर की आती है, वो डालनी पड़ेगी आपको, पैच फाइल आएगी विंडोज़ की, वो डालनी पड़ेगी, तब जाकर आपको SSH कमांड प्रॉम्प्ट पर अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई SSH करोगे नहीं क्या, तो गाइस SSH करने के लिए आपके पास में एक फ्री टूल, एकदम फ्री, कॉस्ट फ्री, कुछ भी पैसे नहीं लगते, वो मिलता है, जिसका नाम है क्या, यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखोगे, डिवाइस का IP एड्रेस जिसका SSH करना है, ओपन। अब जब मैंने लिखा यहाँ पर SSH, क्या यहाँ पर कोई वर्जन डिफाइन करा है, बाय डिफॉल्ट आपकी पुट्टी वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशंस लेकर जाएगी, बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट करेगी किसके लिए, वर्जन 2 के लिए, बाय डिफॉल्ट, ये बिहेवियर है बाय डिफॉल्ट। अब आपने चला रखा है वर्जन 1, यहाँ से जा रही है रिक्वेस्ट वर्जन 2 की, तो पुट्टी अपने आप आपको एक प्रॉम्प्ट करेगा, बोलेगा ये कीज मिसमैच हो रही हैं, आई वुड बी चेंजिंग द कीज टू डिफरेंट, वुड यू लाइक टू अलाउ दैट,
और क्वेश्चन मार्क के अंदर नीचे लिखा होगा यस और नो, पुट्टी ही पूछेगा आपसे। अब आप अगर कर दोगे नो तो क्या होगा, नहीं चलेगा। अगर यस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप वो वर्जन 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बट बाय डिफॉल्ट किसकी रिक्वेस्ट गई थी पहले, 2 की। ये बिहेवियर रहता है। बट हमारे पास में एक और टूल है, ओवरराइट हो जाएगा तो उसपे अपने आप चेंज हो जाता है। SSH 1 2। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस टूल का नाम है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने दिए थे उसको खोल कर देखा होगा तो मिलेगा। किसके ऊपर गया था, क्विक कनेक्ट, कौन सी ऑप्शन, ठीक है। ये भी ये पेड एप्लीकेशन है, काम बिल्कुल पुट्टी की जैसे ही कर दिए, बट पेड है। तो मैंने आपको पेड वाला वर्जन ऐसे नहीं दिया, उसके साथ क्रैक फाइल भी दी है, ठीक है, और लाइसेंस की भी दी है। आपका पूरा फोल्डर के अंदर आप अगर चेक करोगे तो वो डिसाइड्स दैट। मैंने उस दिन आपको वीडियो भी बनाकर दे दिया है कि हाउ टू इंस्टॉल इट, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा ये नहीं चला वो नहीं चला। मेरे हिसाब से पुट्टी यूज करो, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, ठीक है। नहीं, ज्यादातर SSH यूज होता है, टेलनेट तो कब यूज होता है, जब आप इंटरनल लाइन में बैठे हो। अब देखो यार, एक राउटर है जिसके ऊपर आपने कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ट्रैफिक भेजा, जब पीसी से निकला पहले पैकेट बनेगा, उसको इनक्रिप्ट करा जाएगा, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करा जाएगा। राउटर पर गया, राउटर ने डिक्रिप्ट करा, डिक्रिप्ट कर अपने कॉन्फ़िगरेशन करी, और उसका रिजल्ट आपको फिर वापस इनक्रिप्ट कर आगे फॉरवर्ड करा आपने, आपके कंप्यूटर ने फिर डिक्रिप्ट करा। प्रोसेस लग रहा है टाइम। अभी बहुत सारे लोग होते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो लोग बहुत फेमस हैं, शुरू से ही घर में हिंदी बोलते हैं, तो जहाँ कोई ट्रेनर या कोई ऐसा बंदा आ जाता है इंग्लिश बोलने वाला, या कोई बहुत तेज़ इंग्लिश बोलने वाला, बहुत सारे लोग, मतलब आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीवन, उनको ना प्रोसेस करने में टाइम लगता है। इंग्लिश को पहले हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हिंदी के अंदर पूरे लाइन समझेंगे, फिर उसके बाद में बात समझ में आएगी। कितने लोगों के साथ होता है या नहीं होता, ठीक है, होता है ना ये प्रॉब्लम, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। अब यही बात हिंदी में बता दी ना, यही प्रॉब्लम आती है किसमें, राउटर्स में, तो आपको प्रोसेस थोड़ा सा क्या लगेगा, थोड़ा सा स्लो लगेगा, स्लगिश सा लगेगा। आप कमांड चला रहे होगे, 2 सेकंड बाद राउटर रिएक्ट कर रहा होगा, तो ये थोड़ा सा स्लगिश रहेगा। बिसाइड्स दैट, मेरा एक राउटर है जिसके पास में इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स ही नहीं है सपोर्टेड, तो उसको क्या SSH चला सकता हूँ मैं? तो ऐसे भी राउटर्स या स्विचेस आपके नेटवर्क में मिल जाएंगे जो शायद इनक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करते हों, पुराने, मोस्ट ऑफ द टाइम पुराने यूजुअली, नहीं तो स्विचेस में कोई इश्यूज ही नहीं आएगा। पर पुराने कोई मतलब बाबा आदम के ज़माने का कोई स्विच पड़ा हो मतलब, तो उनमें शायद ये डिफ़िकल्टी फेस करो। इसके साथ साथ कोई स्विच ऐसे भी मिल सकते हैं जो कि SSH वर्जन 2 ना सपोर्ट करते हो, वर्जन 1 सपोर्ट करते हो। इनेबल तो हो जाएगा, बट उनके लिए क्रीकी चाहिए होती है। तो मैंने वर्जन 1 और वर्जन 2 के लिए आपको बताया भी था कि इनक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन सी यूज होती है, AES और DDDS वर्जन 2 के लिए यूज होती है। वो इनक्रिप्शन अगर सपोर्टेड नहीं होगी किसी राउटर के ऊपर तो आप उसको टेलनेट या SSH कर नहीं सकते। मालूम है मेरी डिवाइस मेरे सामने पड़ी हुई है, बट मैं बस उठकर नहीं जाना चाहता वहाँ तक एक्सेस लेने के लिए, मैंने यहाँ से टेलनेट कर लिया। मेरे लिए लाइफ आसान है ना, क्यों इनक्रिप्शन यूज़ करूँ? मेरे को मालूम भैया मेरे को बीच के अंदर कोई नहीं आने वाला,
कोई एक हैकर नहीं बैठा हुआ बीच के अंदर, तो मैं क्यों SSH यूज करूँ? क्यों? टेलनेट लाइट हल्का प्रोटोकॉल है ना, लाइट प्रोटोकॉल है, वेरएज SSH के अंदर क्या होगा, इंक्रिप्शन होगी, ये वो फलाना, थोड़ा सा स्लगिश चलेगा। बट जब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई साहब इंटरनेट से आ रहा है यूज़र, आप बैठे हो यहाँ पर, आप टेक सपोर्ट दे रहे हो किसी यूज़र को, जिसकी किसी क्लाइंट को जिसके डिवाइसेस लगी हुई हैं लंदन के अंदर, USA के अंदर, तो क्या टेलनेट सपोर्ट यूज़ करोगे? ट्रैफिक जाना है इंटरनेट से होते हुए, यूज़र नेम पासवर्ड तक तो मैंने दिखाए थे आपको, खुले खुले चल रहे थे। ठीक है, आओ बेटा मुझे एक्सेस करो, तो बोल रहे हो आप, तो अगर आपने ऐसे खुले खुले छोड़ दिया तो फिर ऑब्वियसली ये तो आप वेलकम कर रहे हो, बोले आओ अटैक करो जरा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आप SSH। अब देखो प्रॉब्लम वही है SSH की, यहाँ पर हमारे पास में कोई पुट्टी नहीं है और कोई सिक्योर CRT नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ये जो मैं अब कमांड डालने वाला हूँ, ये एक्चुअली iOS की कमांड है, एक राउटर या स्विच के ऊपर चलने राउटर या स्विच के ऊपर चलने वाली कमांड है, जिससे आप किसी और दूसरे राउटर या स्विच को SSH कर कॉन्फिगर कर सकते हो। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आपको हमेशा कंप्यूटर ही मिलेगा, हो सकता है आप कंप्यूटर से कनेक्टेड हो इस राउटर पर, और उस राउटर से मैं किसी और राउटर का अगर कनेक्टिविटी है तो राउटर टू राउटर भी क्या ले सकता हूँ, SSH ले सकता हूँ, टेलनेट भी ले सकता हूँ। तो ये कमांड जो अब मैं चलाने वाला हूँ, ये कमांड एक्चुअली कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं चलती, ये कमांड चलती है किसके ऊपर, iOS के ऊपर। पर ये किसने बनाया है, ये टूल, ये पूरा का पूरा टूल किसने बनाया है, तो इन्होंने अपने PC के कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी वो कमांड दे दी है कि आप क्या कर सकते हो, SSH कर सकते हो। तो कमांड क्या है, SSH -l, -l का मतलब लॉगिन। यूजर नेम क्या डाला था भाई, जो टेलनेट वाला यूजर नेम है वही चलेगा, क्योंकि डेटाबेस तो मैंने वही बोल रखा है, BTY lines को मैंने क्या बोला है, लोकल। और मेरे दोस्त आप थोड़े से लेट आए, आपका क्वेश्चन था ना कल का, तो एक चीज देख लो, डू शो रन लाइन BTY 0 to 4 के ऊपर मैंने क्या लिखा है, लॉग इन लोकल। क्या मेरी कोई कनेक्शन कंसोल से कनेक्टेड है अभी, नहीं है, किससे कनेक्टेड है, और लोकल डेटाबेस है क्या, कमांड प्रॉम्प्ट पर मैंने क्या लिखा है, इसके बाद क्या डाल देता हूं, ये कमांड है किसी डिवाइस का SSH एक्सेस लेने की, किसकी कमांड है, ये iOS की कमांड है, बट यहाँ पर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर भी चला रहे हो, तो कल को गलती से बैठ कर ना ये कमांड प्रॉम्प्ट मत चला लेना, वहां नहीं चलेगी, और मैं जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा कि आपको क्या करना था, मैं सिर्फ और सिर्फ कहानियां सुनाऊंगा दो चार शर्मिंदा करने के लिए। भाई मेरे को मौका दोगे तो मैं तो सुनाऊंगा, और मैंने कल भी बोला था मैं तो हक रखता हूँ इतना। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं कमांड नहीं चलेगी, कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज का सपोर्ट नहीं करता SSH, फिर भी अगर चला दी तो भी मैं ये तो बोल रहे हो ना भाई, आ बैल मुझे मार। तो फिर तो मैं तो मारूंगा, पासवर्ड क्या है, अबे क्या डाला था, अरे यार गलत डाल दिया मैंने, XYZ0987 शो यूजर,
अभी यहाँ पर लिखा हुआ भी आएगा, ये यूज़र तो लिखा हुआ आ ही गया, यहाँ आईपी एड्रेस भी आ जाएगा थोड़ी देर में। क्या पता भरोसा नहीं पैकेट ट्रेसर में, ये इसकी खुद की इतनी इंटरनल लाइंस होती हैं, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड टर्मिनल लाइंस होती हैं, इंटरनली अलोकेट करता है ये लाइन, प्रोग्राम से रिलेटेड है भाई, ठीक है, हमारे लिए तो सिर्फ यही है। अभी मैं दूसरे राउटर से क्या कर सकता हूँ, मेरा यहाँ तो खुल गया, इनेबल खोल कर भी दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना भी काम समझ में आ जाता है। अभी मेरा देखो ये वाला लॉग आउट हो गया खुद ब खुद, मैंने यहाँ पर छोड़ रखा था, मैंने कभी कुछ नहीं करा, ये लॉग आउट हो गया, इसको वापस लॉग इन कर लेते हैं। चल यस, इसीलिए बोला कि अपने आप लॉग आउट हो गया। टेलनेट 10.0.10.0.0.1 सिस्को बिस्को, एक को SSH दे देते हैं फिर से, SSH-L क्या था, सिस्को 10.0.0.1 बिस्को, मिल गया क्या, इसको मिलेगा इसको, या तो मैं टेलनेट करूं तो भी नहीं मिल पाएगा, SSH करूं तो भी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज बोथ टेलनेट एंड SSH के लिए लाइन कितनी डिफाइंड हो रखी है, SSH के लिए तो ये लोकेशन भी नहीं दिखा रहा, टेलनेट के लिए तो सीधे सीधे दिखा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द इनक्रिप्शन, मे बी बिकॉज ऑफ द इनक्रिप्शन। सो 5 यूजर्स आर टेकन इन एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। अब जैसे ही मैं एक को बाहर निकाल दूंगा, किसको बाहर निकालूं, टेलनेट वाले को या SSH वाले को, हैं ये SSH वाला था ना, 300 सेकेंड्स एग्जिट, अब क्या करूंगा, SSH या टेलनेट, दोनों ही करके दिखा देता हूँ, एक बार SSH कर देता हूँ एक बार टेलनेट, आ गया एग्जिट, ठीक है। So both lines are basically been shared by अब इसी पर बैठे ना, इसी पर बैठे बैठे काम करते हैं, क्या था XYZ0987 line VTY024 transport input अब मैंने टेलनेट हटा दिया। अब जिसने लॉगिन कर रखा है ना पहले से, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जब तक वो लॉग आउट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते, जब तक लॉगिन है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि ओके एक बार लॉगिन मैकेनिज्म कब चेक होगा, जब दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करेगा, वो लॉगिन ऑलरेडी है तो फिर कुछ कर नहीं सकते ना उस वक्त तक, ये यूजर हमारा लॉगिन था ना टेलनेट से ही लॉगिन था, कुछ नहीं कर सकते। इस बार मैं अगर
दोबारा से टेलनेट करता हूँ। अब भाई साहब टेलनेट बंद है, क्या चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ SSH। मैंने जैसे ही ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH डाला, टेलनेट बंद हो गया। अब मैं अगर ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट लिख देता हूँ तो SSH क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। SSH कोई नहीं कर सकता फिर, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट इनपुट का कमांड का मतलब समझ में आया आपको? बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं करता हूँ, इस सिस्टम के ऊपर अब मैं आगे कुछ काम नहीं करता हूँ, R1 का लॉगिन ले लिया और आइडल पड़ा हुआ है, 5 मिनट बाद मेरे को राउटर उठाकर बाहर फेंक देगा। 5 मिनट मतलब कितने सेकंड? 300 सेकंड्स। 5 मिनट बाद राउटर मेरे को अपने आप उठाकर फेंक देगा। ये है डिफॉल्ट टाइम आउट, एग्जिट टाइम आउट, डिफॉल्ट एग्जिट टाइम आउट। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ बट अभी नहीं सिखाऊंगा, बस बता दी मैंने अब इतनी सी एक है। भैया इतनी बड़ी दुकान है गूगल, ठीक है? मैंने आपको चिंगारी लगा दी, मैं नहीं बताऊंगा बट आपको चिंगारी लगा दी। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है CCNA तक ही रखना है अपने आपको, तो फिर इतना काफी। तो ये R&D खुद की है आपकी। कमांड इतनी सी है बट फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। आपका SSH भी खत्म हो गया। पैकेट फ्लो हो गया, ये हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर जा रहे हैं जो कि क्या है, जिसके लिए आप आए थे यहाँ पर, राउटिंग। दो क्वेश्चन है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव, ट्रैफिक को मूव करने को ही बोलते हैं क्या? राउटिंग। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, मूविंग अ पैकेट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमारे को थोड़ा सा लॉजिकल जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया भैया, व्हाट इज राउटिंग? मूविंग अ पैकेट फ्रॉम वन लैन टू अनदर लैन, मूविंग अ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। द डिवाइस विच परफॉर्म्स राउटिंग इज राउटर और लेयर 3 स्विच। राउटर और लेयर 3 स्विच, अगर सच बोलूं तो ASA भी
काम कर जाता है सिस्को ए से, जो सिस्को की जो फायरवॉल है वो भी राउटिंग परफॉर्म कर सकती है, इट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग अ राउटिंग, ठीक है, ए एस ए फायरवॉल वो भी राउटिंग परफॉर्म करती है, तो आपका राउटर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है वहाँ पर जब आप, और ए एस ए को कहाँ लगाओगे, एज पर लगाओगे। सिस्को का जो फायरवॉल है ना, उसको सिस्को फायरवॉल ना बोलकर क्या बोलती है, एएसए, एएसए स्टैंड्स फॉर अडैप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। नहीं, फायर पावर अलग है, अडैप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। सिस्को की जो फायरवॉल है वो अपने आप को फायरवॉल ना बोलकर इसको बोलते हैं अडैप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। So it also has a adaptive security appliance. It also have a routing capabilities. जैसे हम लोग routing यहाँ करेंगे वैसे ही होती है वहाँ पर भी routing, कोई major difference नहीं है। मतलब एक बार iOS समझ लिया, क्योंकि ASA के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको iOS ना बोलकर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम या अडैप्टिव सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, बट फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है और बिहेवियर भी लगभग लग देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा तो नेटवर्क कुछ ऐसे बनाए थे हम लोगों ने, याद हो तो पैकेट फ्लो के टाइम के अंदर, गलती हो गई भाई मेरे को ऐसे लग रहा है, ला दे दे भाई नेटवर्क गुल्स ने चॉकलेट क्या बांट दिया, ऐसा होता है लोगों को, अरे सिर्फ चॉकलेट बांटी, गिफ्ट वाउचर ला कर दे 5,000 रुपए का। तो हम तो इतने से बात बोलेंगे एग्जैक्टली कि जो जो लोग काम करते हैं कितने 5,000 रुपए का 5 साल के अंदर कितनी बार कंपनी ने आपकी, जिस कंपनी ने काम करा था गिफ्ट दे दिया था गिफ्ट वाउचर, जो लोग काम कर कर यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग काम करे हुए, ठीक है, 5,000 रुपए का गिफ्ट दिया था क्या कंपनी ने, ये लो और लिफाफा और पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मतलब ट्रेनिंग वाली बात हो रही है एग्जैक्टली, आपसे पैसे लूट कर, हाँ तो वही वाली बात है यार, क्यों उसके अंदर ये, तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारे पड़ोस में कैसे कैसे लोग बैठे हैं और जाकर उनके साथ में बैठो तो वो वाली भी तो बात है ना कि एग्जैक्टली अपना दरवाजा खोलकर बैठोगे तो कौन क्या, जब जब SSH की सर्विस मिली हुई है बट टेलनेट चलाओगे तो क्या मिलेगा। इंक्रिप्शन फटाफट या फिर फटाफट, मेरी नजरें भी मत डाल भाई, अरे जो खाएगा इसको उसका पेट का दर्द हो रात को ऐसे पेट में मरोड़े आएंगे बाथरूम भी नहीं जा पाओगे So the thing is this, हाँ भाई वीडियो ऑन है, ये सारी मजाक इसके ऊपर चल रही है, सब कुछ इसके ऊपर चल रही है। नोट डाउन प्लीज वन थिंग, हमने दो नेटवर्क बनाए थे और यहाँ पर IP एड्रेस भी दिया था, शायद मैंने, मेरे को याद हो तो ऐसा कुछ IP एड्रेस दिया था, है ना। द मोमेंट यू गिव द IP एड्रेस
onto these interfaces and these interfaces get up. जब ये interface up आ जाएगा, मतलब क्या line protocol भी up आ जाएगा और interface भी up आ जाएगा. Router अपने पास में एक database बनाएगा जिसको बोलते हैं क्या, एक डेटाबेस बनाएगा जिसको बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस. आसान भाषा में रिब, इस रिब के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी 10.0.0/24 कनेक्टेड विथ फास्ट इंटरनेट 0/0 एंड दे आर कनेक्टेड directly. Similarly, 20 के लिए भी ऐसी information आएगी. फिर note करेगा ये directly connected है, इसीलिए सीधे सीधे किस में डाल देगा, routing table में, क्योंकि ये दोनों ही route क्या होंगे, इस इन दोनों नेटवर्क में पहुंचने के बेस्ट रूट. अरे क्या सो जाते हो क्या, उधर उधर पता नहीं कहां ध्यान में रहता है, बोलते 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 एकदम सो जाते हैं. 10 और 20 के नेटवर्क फास्ट इथरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड इंफॉर्मेशन कहां स्टोर करी, पहले रिब में, और क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड थे इसीलिए वो बेस्ट रूट कराए और बेस्ट रूट को कहां डाल दिया, राउटिंग टेबल में. अब राउटर के पास में अगर कोई पैकेट आता है और इन दोनों नेटवर्क में से एक नेटवर्क में कहीं किसी भी नेटवर्क में पहुंचना चाहता है जो इसको ऑलरेडी पता है, तो ये फॉरवर्ड कर सकता है उस नेटवर्क पर ट्रैफिक को. पर एक पैकेट इस पीसी से, सपोज मैं पिंग करने की कोशिश करता हूं किस नेटवर्क को, 100.2 को पिंग करने की कोशिश करता हूं, क्या हमारी टोपोलॉजी में 100 नेटवर्क कहीं दिख रहा है? पीसी क्या सोचेगा, मेरे को डिफॉल्ट गेटवे पर भेजना है पैकेट को. क्यों? क्योंकि दूसरा नेटवर्क है. पीसी को नहीं पता ये नेटवर्क है भी या नहीं टोपोलॉजी में, वो सिंपली जानता है भाई मेरा नेटवर्क कौन सा है, 10 का, और ये पिंग किसके ऊपर जानी है, 100 के ऊपर. मतलब कोई और नेटवर्क है, कोई और नेटवर्क है तो किसको पास भेज दो. पैकेट किसके पास पहुंचा, राउटर के पास. राउटर कितने नेटवर्क जानता भाई, 10 और 20, 100 का आता पता नहीं है. राउटर क्या कर देगा उसको, तो इसका मतलब जो नेटवर्क की रिब में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो पैकेट क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है. बात आई समझ में? और कौन ड्रॉप कर रहा है, राउटर ड्रॉप कर रहा है नीचे से एंड होस्ट से, तो वो राउटर पर पहुंच ही रहा है ट्रैफिक. क्यों, एंड होस्ट को मतलब नहीं है किस नेटवर्क पर ये नेटवर्क कहां मिलेगा. राउटर इज द वन विच इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ कि ये नेटवर्क कहां मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या एक्शन लेना है इसके ऊपर. ठीक है, राउटर इज द वन. सो व्हाई डू वी नीड राउटिंग, इज सो दैट राउटर्स आर एबल टू फॉरवर्ड अ ट्रैफिक. फोन को साइलेंट कर लेना जिसका भी बजा था. राउटर इज द डिवाइस विच रिक्वायर्स टू नो द नेटवर्क फॉर विच द ट्रैफिक नीड्स टू गो. अब आपके नेटवर्क में अगर 100 का नेटवर्क है ही नहीं तो ये ट्रैफिक को कहां भेज सकते हो, कहीं नहीं भेज सकते. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? अब हम लोगों ने अभी तक जो बात करी थी, कितने राउटर लिए थे सिर्फ, यहां पर जैसे ही कनेक्ट करा था दो नेटवर्क आईपी एड्रेस दिया था, इंटरफेस अपाया था, तो राउटर को पता लग गया था इस नेटवर्क के बारे में. अब एक सिनेरियो ड्रॉ करते हैं यहां पर कितने राउटर आ गए. और इस बार राउटर टू राउटर कनेक्ट कर दिया है. मान लेते हैं ये नेटवर्क है 10.0.0.0 का /24 का,
ये नेटवर्क ले लेते हैं बिकॉज राउटर वन और राउटर टू को कनेक्ट कर रहे हैं, तो मानने के लिए /24 का वही स्टोरी है, आईपी एड्रेस कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे को नेटवर्क समझना है, बिहेवियर समझना है राउटिंग का, आईपी एड्रेस को वेस्ट को अभी नहीं समझ रहा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। यहाँ पर ले लेते हैं ये तीन नेटवर्क हैं, राउटर के इंटरफेस 0x0, 0x1, 0x1, 0x0 ऐसे ले लिया। कहीं किसी को दिक्कत? राउटर वन, जैसे ही मैं इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस दूंगा, कौन कौन से नेटवर्क अपने रिब में डालेगा या राउटिंग टेबल में डालेगा? 10.0.0.0/24 फास्ट इंटरनेट 0x0 पर कनेक्टेड है, 12.0.0.0/24 फास्ट इंटरनेट 0x1। राउटर टू भी ऐसा ही काम करेगा, एक आईपी एड्रेस डालेगा 20.0.0.0/24 फास्ट इंटरनेट 0x0 एंड एक आईपी एड्रेस एक नेटवर्क डालेगा 12.0.0/24 फास्ट इंटरनेट 0x1। इस सिनेरियो में क्या राउटर वन को पता लगा 20 के नेटवर्क के बारे में? राउटर वन डजंट नो अबाउट 20's नेटवर्क, सिमिलरली राउटर टू डजंट नो अबाउट 10 नेटवर्क। अब मैं यहां पर पीसी है, इससे पिंग करने की कोशिश करता हूं 20.0.0.1 को। पीसी किसके पास भेजेगा ट्रैफिक को? क्या राउटर की राउटिंग टेबल में है 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क? राउटर क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। इस टाइप की सिनेरियो में जब कोई नेटवर्क राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, तब आपको चाहिए होगी क्या? राउटिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल अलग कहानी है, तब करानी पड़ेगी आपको क्या? राउटिंग। सो व्हाई डू वी नीड राउटिंग इज फॉर दिस, टू लेट दिस राउटर वन नोज अबाउट द नेटवर्क्स विच आर नॉट कनेक्टेड टू इट। राउटिंग इज रिक्वायर्ड टू लेट राउटर्स नो अबाउट द नेटवर्क्स विच आर नॉट कनेक्टेड टू इट। जो नेटवर्क राउटर वन से कनेक्टेड नहीं है, उन नेटवर्क के ऊपर पहुंचने का रास्ता बताने का ही मैकेनिज्म है राउटिंग। राउटर टू से जो नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, उन नेटवर्क्स तक पहुंचने का रास्ता बताने का ही मैकेनिज्म है राउटिंग। और क्यों बताने की जरूरत है? कल को अगर उसके पास में कोई पैकेट आए, तो वो राउटर उस रास्ते तक का मतलब उस रास्ते पर फॉरवर्ड कर सके ट्रैफिक को, जिस रास्ते से पहुंचकर वो पैकेट अपनी डेस्टिनेशन नेटवर्क पर पहुंच जाए। राउटर वन को बताने की जरूरत है, भाई आपको 20 के नेटवर्क पर अगर जाना है, किसी को कोई पैकेट आए आपके पास में 20 के नेटवर्क पर जाना हो, तो आप क्या करो, उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दो किधर पर? राउटर टू की तरफ, राउटर टू की तरफ। अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, 12.0.0. यहां अगर मैं लिख दूं 12.0.0.2 की आईपी एड्रेस यहां रख देते हैं, 12.0.0.1 की आईपी एड्रेस यहां रख देते हैं, ठीक है? ये दो इंटरफेसेस हैं, इन दोनों की इंटरफेस की आईपी एड्रेस कुछ ऐसी डाल देते हैं। अब मैं बोल रहा हूं राउटर वन को, भाई 20 के ऊपर पहुंचना है, मतलब 20 का कोई भी /24 का नेटवर्क के ऊपर कोई पैकेट आए, इसमें वैलिड आईपी एड्रेस कौन कौन सी होगी? यही होगी। अगर इनमें से कोई भी आईपी एड्रेस 1 से लेकर 254 तक की कोई भी आईपी एड्रेस के ऊपर पैकेट अगर आए, मैं बोल रहा हूं किसके पास भेज दो? बात आ रही है समझ? राउटर वन क्या 12 तक पहुंच सकता है, मतलब यहां तक पहुंच सकता है, यहां तक पहुंच सकता है? पैकेट कहां भेज दिया? इस बार
जब पैकेट आया मैंने बता दिया 20 के नेटवर्क पर पहुंचना है तो यहाँ पर पहुंच जाओ। राउटर वन ने इस बार ट्रैफिक किसके पास भेज दिया, 12.0.0.2 के पास, जो कि एक्चुअली है कौन, क्या हाँ पिंग तो टेस्ट करने के लिए करूंगा ही करूंगा यूज। अभी समझ जाओ पहले अपने क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएंगे आपके धीरे धीरे धीरे। अब राउटर टू क्या 20 का नेटवर्क जानता है, मतलब यहां पर कहीं पे भी पैकेट को राउटर टू फॉरवर्ड कर सकता है। हो गई, पहुंच गया पैकेट आपका जहां पर पहुंचना था, बात आई समझ। अब जैसा कि भाई साहब ने बोला आईसीएमपी का पैकेट, तो आईसीएमपी का ई को रिक्वेस्ट तो पहुंच गई। अब जब यहां से वापस रिप्लाई जाएगा, सपोज इसका ही आईपी एड्रेस था 20.0.0.1, तो अब इसने रिस्पॉन्स बैक करना है, क्या भेजना है, ई को रिप्लाई। जब इसने ई को रिप्लाई भेजना है तो ये फिर से चेक करेगा भाई सोर्स आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, मैं भी मान लेते हैं 10.0.0.1। तो डिफॉल्ट गेटवे पे भेजेगा, बोलेगा ये 20 का नेटवर्क तो मेरे 10 का नेटवर्क तो मेरे नेटवर्क से नहीं बिलोंग करता, मतलब किस पे भेजो, गेटवे पर। राउटर टू जानता है 10 के नेटवर्क को, तो इस बार राउटर टू क्या कर देगा, सॉल्यूशन क्या है, राउटर टू को बताओ भाई साहब 10 के नेटवर्क पर पहुंचना है /24 पर, तो कहां पर भेज दो पैकेट को, 12.0.0.1 पर। पैकेट कहां पहुंच जाएगा, राउटर वन पर। राउटर वन कनेक्टेड है 10 के नेटवर्क से, समझ में आई गेम। बिसाइड्स दैट, जब इन विद इन दीज सेक्शंस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो करेगा, तो इन सेक्शंस की क्या रिजॉल्व हो रखी होनी चाहिए, इस पीसी को इस गेटवे की आईपी एड्रेस पता, आईपी और मैक पता होना चाहिए, इस राउटर को इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस तो पता ही होगा, सामने 12.0.0.2 का आईपी और मैक पता होना चाहिए, राउटर टू को राउटर वन का आईपी और मैक पता होना चाहिए, फिर सिमिलरली राउटर टू को ये पीसी का मैक एड्रेस पता होना चाहिए, और पीसी को राउटर टू के इस इंटरफेस का मैक एड्रेस पता होना चाहिए। जब तक ये आर्क रिजॉल्व नहीं होगी तब तक कंप्लीट पैकेट फ्लो नहीं होगा। इस रीजन की वजह से कई बार क्या हो सकता है, आपके पैकेट्स कई पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं, इस रीजन की वजह से कई पैकेट्स ड्रॉप हो सकते हैं। तो डू नॉट गेट डिसहार्टन पहली पिंग के अंदर आपका पूरा का पूरा सामधाम ना चले। यूजली ऐसा प्रॉब्लम तब आता है जब आपने स्टैटिक राउटिंग कर रखी होती है। तो ये जो हम लोगों ने अभी बताया भाई 20 के नेटवर्क पर पहुंचना है तो 12.0.0.2 के ऊपर, तो या तो मैं इस राउटर को खुद अपने आप मैनुअली खुद बताऊं कि भाई 20 के नेटवर्क पर पहुंचना है तो 12.0.0.2 पर फॉरवर्ड कर दे, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर खुद रास्ता बता रहा है, इसका मतलब ये एंट्री कैसे गई है, और इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक। क्लियर आ रही है बात समझ। या फिर मैं इन राउटर्स के ऊपर कुछ प्रोटोकॉल चलाऊं, किसी और कोई प्रोटोकॉल चलाऊं, और राउटर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर ले खुद अपने आप, और एक दूसरे को अपने अपने नेटवर्क्स के बारे में बता दें, इसी को बोलेंगे डायनेमिक राउटिंग। बस फर्क इतना सा है, वो डायनेमिक राउटिंग को भी तो एडमिनिस्ट्रेटर को चलाना पड़ेगा। बात तो कर लेंगे आपस में, बट ये चीज को इसको स्टार्ट करना भी तो पड़ेगा, और इस स्टार्ट करने का आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए।
बिसाइड्स दैट, अब ये बातचीत करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना बिहेवियर है। हम ऐसे बातचीत करेंगे, हम ऐसे बातचीत करेंगे, हम ऐसे बातचीत करेंगे, सबके अपने अपने तरीके हैं। अब उनमें से बेस्ट आपकी टोपोलॉजी में कौन सा सूट करता है वो आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। हमारे पास में 3 बेस्ट प्रोटोकॉल हैं ऐसे, रिप, EIGRP, OSPF, ठीक है, ये 3 बेस्ट प्रोटोकॉल हैं। जब ये 3 बेस्ट प्रोटोकॉल समझ में आते हैं तब जाकर आपको जो एक बचा हुआ प्रोटोकॉल है BGP, तो BGP जो नहीं है वो एक बोलते हैं सब राउटिंग प्रोटोकॉल, BGP एक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इट इज़ नॉट अ राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तो सिर्फ वो वाला प्रोटोकॉल है जो बहुत सारे रूट्स को, बहुत सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को उठाकर एक राउटर से दूसरे राउटर पर भेज सकता है, क्योंकि जो हमारे जो 3 मेन प्रोटोकॉल्स हैं इनका काम क्या है, फटाफट काम करना और अल्टीमेटली एक इंफॉर्मेशन को दूसरे राउटर पर भेजने का। पर ये इंफॉर्मेशन अगर, ये जो एक दूसरे को बताने का मैकेनिज्म जो नहीं है, ये जब तक मतलब इसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस आ जाए, दैट्स व्हेन यू विल रिक्वायर, इंस्टेड ऑफ ये वाले प्रोटोकॉल्स की जगह आपको चाहिए होगा क्या, BGP, जिस टाइप के नेटवर्क, जैसे आपके सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क हैं। अब इनमें कितने नेटवर्क्स होंगे, हज़ारों में, लाखों में, 10,000, 15,000, 20,000, ऐसे नेटवर्क, इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। अब इतने नेटवर्क्स का डेटाबेस एक राउटर से उठाकर दूसरे राउटर पर भेजना EIGRP OSPF की बस की बात नहीं है, तब प्रोटोकॉल कौन सा आता है टेक ओवर करने के लिए, BGP। बोले 10,000 की बात करो, अरे यार 5-6 लाख रुपये नेटवर्क भेजोगे तो बात करें। बड़ा डेटाबेस, ठीक है, बड़ा डेटाबेस को एक्सचेंज करने के लिए तो आपको BGP चाहिए जाता है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे इसके BGP के एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। BGP स्लो है, BGP जो नहीं है वो स्लो है, वेरेज EIGRP OSPF जो नहीं है बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी नेबरशिप बना लेंगे, बहुत जल्दी वर्क करेंगे, बट BGP जो नहीं है वो थोड़ा सा आराम से रुक कर भाई, वो EIGRP OSPF जो नहीं है वो है खरगोश, और BGP जो है वो है कछुआ, ठीक है। अब सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो राउटिंग क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड अ राउटिंग, टू लेट द राउटर्स नो अबाउट द नेटवर्क्स विच आर नॉट नोन टू इट, और यू कैन से विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो व्हाई डू वी नीड राउटिंग, देन वी कैन सिंपली से वी नीड राउटिंग ऑन राउटर्स टू लेट राउटर्स नो अबाउट द नेटवर्क्स विच आर नॉट नोन टू इट। समझ में आई बात, आगे चलें। कितने टाइप से राउटिंग कर सकते हो और कौन कौन सी राउटिंग है, आप पढ़ोगे या आने वाले टाइम में या इन्हीं क्लासेस में डिस्कस करते हैं। सो एक पढ़ोगे आप क्या, जो कि लगभग हम लोग कल ख़त्म कर देंगे, स्टार्ट भी कल होगी और ख़त्म भी कल हो जाएगी। एक राउटिंग होती है और एक होगी क्या,
अब डायनेमिक राउटिंग के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स मेनली अगर हम बात करें तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। एक कहलाते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स और एक कहलाते हैं आईजीपी एंड डीजीपी। टेक्निकली तो हम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट, मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो ऐसे समझा देता हूँ, एक कंपनी का नेटवर्क है, उसने एक इंटरनेट कनेक्टिविटी ली किससे, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, मान लेते हैं टाटा से एक कनेक्टिविटी ली। कंपनी थी एक्स वाई जी, एक कंपनी थी। कंपनी अपने नेटवर्क में, उसमें भले से उसके कितने भी राउटर्स लगे हुए थे, क्या कनेक्शन थी, अपनी राउटिंग के लिए प्रोटोकॉल चलाएगा, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल होगा, आईजीपी इंटीरियर गेटवे। अब बात को समझ में आ रहा होगा, एक 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 गेट है, कनेक्शन है, जिसके इस साइड कंपनी का नेटवर्क है एक्स वाई जी और इस साइड किसका नेटवर्क है आईएसपी का। जो इस साइड चलेगा वो प्रोटोकॉल कौन सा होगा आईजीपी, और जो इस साइड चलेगा वो प्रोटोकॉल कौन सा होगा ईजीपी। ठीक है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। जो गेटवे के बाहर चलने वाला प्रोटोकॉल है वो ईजीपी, जो गेटवे के अंदर चलने वाला प्रोटोकॉल है वो कौन सा है आईजीपी। ये अभी आसान भाषा में समझा रहा हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज तो मैं प्रिसाइज लैंग्वेज दूंगा आपको, प्रिसाइज आंसर दूंगा टेक्निकली। जब आपको कोई पूछे व्हाट आर ईजीपी प्रोटोकॉल्स और व्हाट आर आईजीपी प्रोटोकॉल्स, तो आपको प्रिसाइज आंसर आना। ये तो ओवरऑल समझाने के लिए, क्यों अभी हम लोग स्टैटिक डिफॉल्ट करेंगे, उसके बाद समझेंगे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को, छुट्टी के बाद में तब समझाऊंगा। आईजीपी प्रोटोकॉल्स को हम लोगों ने फिर से फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। एक कहलाया डीबीआरपी, डीबीआरपी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एक कहलाया और एक कहलाया अब यहां पे मैंने एडवांस डीबीआरपी लिख दिया, डीबीआरपी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था, एक था लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और एक था एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के दो प्रोटोकॉल निकले जो एक्चुअली काम करते हैं, एक का नाम है और एक का नाम है आईजीआरपी। आईजीआरपी का एनहेंस्ड हुआ हुआ वर्जन, एनहेंस्ड डिस्टेंस, एनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे। बट EIGRP से जो पहले प्रोटोकॉल आया था वो आया था IGRP। लिंक स्टेट के भी दो प्रोटोकॉल निकले, एक का नाम लेना मैं पसंद नहीं करता, एक
हम जो पढ़ेंगे हमारा सामना होगा स्टैटिक से, डिफॉल्ट से, फिर इन घाटियों से निकलते हुए हम लोग आईजीपी, ईजीपी भी पढ़ेंगे, डीबीआरपी समझेंगे, रिप समझेंगे, ओएसपीएफ समझेंगे, ईआईजीआरपी समझेंगे और एंड में बीजीपी। जब तक आप बाकी प्रोटोकॉल भूल भी जाओगे तब बीजीपी पढ़ेंगे। कोर्स में नहीं है, बहुत पुराना है। ठीक है, आईएसआईएस सीसीआई की फीस जमा कराएं और सीसीएनपी खत्म कर कर तब आप। नहीं, कोर्स में ही नहीं है ये, तो हम लोगों ने आपको बता दिया भाई ये प्रोटोकॉल्स हैं। ये दो प्रोटोकॉल्स मोस्टली आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? अरे काम आप, आईएसआईएस इंटरमीडिएट सिस्टम, इंटरमीडिएट सिस्टम आईएसआईएस स्टैंड्स फॉर, ना कि आप जो समझ रहे हैं वो। स्टैटिक तो मैनुअल भाई, प्रोटोकॉल तो कब चाहिए होता है? जब डायनेमिक चलाना हो अपने आप। स्टैटिक डायनेमिक वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग, डिफॉल्ट हम लोग स्टैटिकली भी कर सकते हैं और डायनेमिकली भी लर्न कर सकते हैं, बट उस केस के अंदर भी हम लोग को स्टैटिकली एक राउटर के ऊपर स्टैटिकली डिफाइन करना ही पड़ेगा। सो स्टैटिक डिफॉल्ट राउट भी एक तरीके से स्टैटिक राउट ही होता है, डिफॉल्ट राउट भी एक तरीके से स्टैटिक ही होता है। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत? अब सबसे बड़ी स्टोरी, जो बड़े बड़े जो काम करने वाले लोग हैं ना वो भी भूल जाते हैं कई बार। 10 10 साल एक्सपीरियंस ले लिया बट बेसिक चीज भूल गए। राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया, एक राउटर एक नेटवर्क पर दो या दो से ज़्यादा रास्तों पर जा सकता, जानता है तो पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता यूज़ करेगा? हमारे क्लास के स्टूडेंट सोचो जाना चाहते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो कौन सा रास्ता यूज़ करेंगे? यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के, वो तो आपकी चॉइस है ना। अब शॉर्टेस्ट के ऊपर ही मैं देखो ट्रैफिक जाम लगाता हूँ। ठीक है, मेट्रो मेट्रो लाइन के अंदर भी हम देखते हैं, देखो भीड़ कितनी इकट्ठी करते हैं दिवाली वाली आने वाला है, दिवाली में देखना। सो अगेन सब प्रोटोकॉल्स का अपना अपना बिहेवियर है और उसके अकॉर्डिंगली अपना अपना बेस्ट रूट सेलेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, तो राउटर इनमें से कौन सा चूज करता है? अगर आपने सारे ही बोल दिया यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या प्रोटोकॉल चलाऊं, ईआईजीआरपी भी चला दिया, ओएसपीएफ भी चला दिया, बीजीपी भी चला दिया, रिप भी चला दिया, स्टैटिक भी दे दी, डिफॉल्ट भी दे दिया, कुछ तो चलेगा। ठीक है, तो राउटर बोले भैया इतना कंफ्यूज मत हो, मेरे को मेरे पास में अपना तरीका है, मेरे को मालूम है कौन सा रूट मैं राउटिंग टेबल में डालूंगा, आपने चला तो दिया सब कुछ बट मैं अपने हिसाब से चलूंगा और वो फॉलो करेगा ये सीक्वेंस ऑर्डर जो मैं आप लिखवाने जा रहा हूँ।
First preference is given to the longest match in bits of IP network known and the destination IP address. ऐसे समझ में नहीं आएगा ये लाइन, इसके लिए सिनारियो बनाना पड़ेगा. ये लाइन ऐसे ही समझ में आ जाती तो बहुत. और बिलीव मी और नॉट, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर वर्किंग एट वेरी टॉप नॉच, 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस हो गए, वो भी ये लाइन को भूल जाते हैं. हम तो क्यों याद रखते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं. रीजन बिकॉज वो पढ़ाते नहीं है, वो सिर्फ ये जानते हैं कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाता है या ऐसा करने से ऐसा हो जाता है. पढ़ लिए ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन, अब 10 साल का बंदा जो काम कर लिया वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, भूल ही जाता है. अब छोटी मोटी गलतियाँ थोड़ी ना देखनी है मेरे को, बड़ी गलती देखनी है, तो छोटी गलतियों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता. और इसकी वजह से बहुत जगह के ऊपर फांसी उड़वा कर बैठे होते हैं. एक सिनारियो ड्रॉ करता हूँ. राउटर वन है जो कि कनेक्टेड है एक स्विच से, और यहाँ पर है एक आपका पीसी. फिर राउटर वन ही कनेक्टेड है किसी राउटर टू से, और एक रास्ते से राउटर थ्री से. ये दोनों राउटर कनेक्टेड हैं एक स्विच से, और यहाँ पर है एक सर्वर. इस सर्वर का आईपी एड्रेस है, मान लेते हैं 10.1.1.1/24. राउटर वन जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 10 के नेटवर्क से, ये वाले नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. राउटर वन पर किसी भी तरीके की राउटिंग से, मैं आई डोंट केयर अबाउट व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मेथड, दो रास्ते हैं राउटर वन से राउटर इस नेटवर्क पर पहुंचने के, एक वाया राउटर टू, एक वाया राउटर थ्री. एडमिनिस्ट्रेटर ने राउटिंग करी या डायनेमिक राउटिंग के थ्रू कैसे लर्न हुआ, डजंट रियली मैटर. राउटर वन को लर्न हुए नेटवर्क कुछ ऐसे, वाया राउटर टू लर्न हुआ कुछ ऐसा 10.0.0.0/8. कनेक्टेड टू राउटर टू, और एक राउट लर्न हुआ वाया राउटर थ्री 10.1.1.0/24. लैंग्वेज समझ में आ रही है. अब एक नेटवर्क दे रहा है कैसा, और एक दे रहा है कैसा, यहां से आपके पीसी से एक पैकेट चलता है जो जाना चाहता है 10.1.1.1 पर. किस रूट से लॉन्गेस्ट मैच मिल रहा है नेटवर्क आईडी का, जो कि आईपी से मैच कर रहा है, वाया राउटर थ्री. कितनी बिट मैच हो रही है यहां पर आईपी एड्रेस में, कितनी बिट मैच हो रही है, 10.1.1, यही तीन मैच हो रही है. बट यहां कितनी मैच हो रही है, 10. लॉन्गेस्ट मैच कितने में आ रहा है, लॉजिक क्लियर हो रहा है. रूट विल बी प्रेफर्ड बाय राउटर वन टू फॉरवर्ड दिस पैकेट यूजिंग राउटर थ्री. मेथड कैसा भी हो राउटिंग का, आपने स्टैटिक डाली हो, डायनेमिक डाली हो, डायनेमिक में EIGRP OSPF ये वो कुछ भी डाला हो, रूट जो प्रेफर करेगा राउटर, सबसे पहली चीज क्या देखेगा, किससे मेरे को सबसे प्रिसाइज रूट मिल रहा है. अरे बेस्ट पाथ यही रखेगा अपनी राउटिंग टेबल के अंदर ही, यही लॉन्गेस्ट पाथ नहीं बोल रहे, लॉन्गेस्ट मैच इन बिट्स ऑफ अ नेटवर्क. देखो हो सकता है ना ट्रेन से कनेक्टेड एक और नेटवर्क हो जिसकी नेटवर्क आईडी क्या हो 10.2.2.0/24,
और यहां पर चला रखी हो मैंने क्या समराइजेशन। भाई दो नेटवर्क इकट्ठे अलग अलग भेजने की जगह एक ही बोल दे कि टैन का नेटवर्क कोई सा भी हो मेरे पास में है, तो राउटर वन को दोनों ही नेटवर्क रखने पड़ेंगे राउटिंग टेबल में, दोनों ही नेटवर्क रखने पड़ेंगे। अब इसमें बेस्ट रूट कौन सा किसके लिए कौन कौन सा हो जाएगा, जब 10.1.1.1 के लिए जाना हो तो ये, बट जब 10.2.2. जो भी हो 10 डॉट समथिंग के लिए जाना हो तो हमेशा रूट क्या यूज करेगा ये वाला, समझो देखो ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर ऊपर वाला। लॉजिक आएगा समझ में पूरा। भाई राउटर टू इससे भी तो कनेक्टेड हो सकता है ना 10.2.2.2 या कोई और नेटवर्क 10 का। ये सारे गेम सबनेटिंग है, अगर ये ना होती तो ये झंझट नहीं होते, बट ये सबनेटिंग आती पहले। ऐसे समझते हैं यहां से राजस्थान जाना होगा, अब राजस्थान में अजमेर जाना है जयपुर जाना है दैट्स अ सेपरेट थिंग, बेस्ट रूट कौन सा रहेगा। बात समझ में आई, पर अब यहां से तेरे को जाना है सीधे सीधे कहां, यू सोच ले हमारे इधर क्या बोलते हैं अपने अलवर के पास में एक जगह है बांधगढ़ी है, एक सेंचुरी है बर्ड सेंचुरी है भरतपुर, ठीक है। अब वो जाना हो तो वहाँ वहाँ के लिए क्या लेगा रास्ता, ये बेस्ट नहीं कहलाएगा, तेरे को फरीदाबाद जाना पड़ेगा, फरीदाबाद मथुरा वगैरह उधर से जाकर फिर उधर है, ठीक है। तो प्रिसाइजली अगर आपको रूट पर भरतपुर पर जाना है या ये रास्ता भी पहुँचा सकता है, ये रास्ता भी पहुँचा सकता है भरतपुर अलवर से होते हुए, अलवर से भी हो, बट प्रिसाइज अगर रास्ता चाहिए तो आपको कौन सा जाना पड़ेगा। सो वही बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, एक बोल रहा है 10.10 का सारा नेटवर्क मेरे पास में और एक बोल रहा है 10.1.1.1 मेरे पास में, तो कौन सा यूज करे बेस्ट अगर 10.1.1 के लिए ट्रैफिक जाना हो तो प्रिसाइज रूट। अगर ओवरऑल अगर रूट की बात करें, हाँ अब यही डाउन हो गया, यही डाउन हो गया तो फिर तो बचा ही नहीं ना रास्ता, फिर तो है ही एक ही रास्ता। तो जब एक से ज्यादा रास्ते हों आपके नेटवर्क पर जाने के, दैट्स व्हेन यू विल यूज लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। अब मैं बात करता हूं जब दोनों तरफ से क्या आ जाए, स्टोरी कुछ ऐसी ही आ जाए। ये राउटर थ्री भी क्या बता रहा हो, ये भी यही बता रहा है और ये भी यही बता रहा है। तो नेक्स्ट चीज जो चेक होती है वो होती है उसको बोलते हैं
बीजीपी दो है, बीजीपी के भी दो टाइप है, ईवीजीपी आईबीजीपी। बीजेपी के भी दो टाइप है, मैंने लिखवाए नहीं थे उस वक्त, मैंने बोला यार क्यों डराया जाए लोगों को, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखा जाए। बीजेपी के दो टाइप हैं, ई बीजेपी एंड आई बीजेपी। ई बीजेपी एक्सटीरियर बीजेपी, आई बीजेपी इंटीरियर बीजेपी। पर्पस लॉजिक समझते हैं, सीधे सीधे ऐसे बात कर लेता हूँ। एक एयरटेल का नेटवर्क है, जियो वाले नेटवर्क के बारे में भी जानेगा। जियो अपना नेटवर्क चला कर बैठा हुआ है, एयरटेल अपना नेटवर्क चला कर बैठा हुआ है। विद इन एयरटेल जो यूजर्स कम्युनिकेट करेंगे वो आई बी जी पी के बेसिस के ऊपर करेंगे, क्योंकि विद इन एयरटेल चल रहा है। अब विद इन एयरटेल यूजर टू जियो यूजर कम्युनिकेशन होगा तो वो कैसे होगा? ई बी जी पी। क्यों? क्योंकि एक बी जी पी से दूसरे बी जी पी के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है। सो यस, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वहाँ पर भी गेम आ जाएगी कि एक बीजेपी जियो का है और एक बीजेपी एयरटेल का, एक बीजेपी टाटा का, एक बीजेपी और दूसरे जितने भी वेंडर्स हैं, आईएसपी जितने भी हैं। हाँ, बहुत बड़े स्केल के ऊपर सोचोगे तब आपको समझ में आएगा ये बीजेपी, छोटे स्केल पर तो ऐसे ही। सो गाइज, इतनी टाइप की राउटिंग है। लीस्ट लोएस्ट वैल्यू जो नहीं होती वो कंसिडर होती है बेस्ट। अब लोएस्ट किसकी होती है? हमेशा इसीलिए मैन्युअली दिए हुए रूट्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। भाई ये तो स्टैटिक एंट्री है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद ने बताया है इस रास्ते से जाना है। गूगल मैप्स आपको कई बार रास्ता बताता है, बट कई बार आप खुद अपने रास्ते अपने हिसाब से जाते हो, चलते हो नहीं चलते हो। कई बार गूगल मैप्स पहले से कुछ भी बता रहा हो, ठीक है। सो स्टैटिक एंट्री है वो, खुद से जब जाने वाली, मेरा खुद का चूज हुआ हुआ रूट। वेर एज गूगल मैप्स मतलब डायनेमिकली लर्न हुआ हुआ रूट, अब वो अपने आप चेंज होता रहता है कई बार, ठीक है। सो अब देखो इसी रूट के अंदर कुछ चेंज करते हैं, इसी टॉपोलॉजी में नहीं बना लूं, यहाँ कचरा हो गया ना थोड़ा सा। सेम टॉपोलॉजी में ही सब समझ लेंगे हम लोग। फिर से वही सिनारियो, IP एड्रेस है 10.0.10.1.1.1/24 का। अब गाइस इस सेक्शन में आपने चला रखा है शायद से OSPF, और यहां पर आपने कर रखी है राउटर वन के पास में एक रूट लर्न हो रहा है किससे? 10.10.0.0.0/8 वाया राउटर टू विथ AD110, और एक रूट लर्न हो रहा 10.0.0.0/8। देखो प्रीफिक्स सेम है, बात आ गई समझ में अब आपको कौन सा रूट प्रेफर होगा। अपने आप राउटर अपने आप देखिएगा। अब ये OSPF का डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, ये स्टैटिक राउटिंग का डिफॉल्ट AD है। जब मैं बात करूं डिफॉल्ट की तो मतलब क्या हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर को ये भी कंट्रोल दे रखा है कि आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर आप कहानी बता सकते हो। तो मैं अगर स्टैटिक राउटिंग के टाइम के अंदर जब कर रहा हूं राउटिंग, उस वक्त मैंने इसकी AD वैल्यू कर दी 1 की जगह कितनी कर दी, तो ट्रैफिक कौन सा प्रेफर होगा?
110 कर दी तब भी एक कहानी आ जाती है, फिर से कहानी आ जाती है। अब 110 के अभी तो उसके कहानी के पर आता हूँ, बट उससे पहले मैं एक चीज समझाऊंगा वो समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन करा उन्होंने, बोला सेम ही अगर ईडी हो गई तो फिर से टाई हो गया, टाई हो गया तो थर्ड चीज के ऊपर आ जाते हैं। मैट्रिक मैट्रिक वैल्यू, जितने ये जो तीन चार राउटिंग प्रोटोकॉल हमने पढ़े इनके ना अपने अपने लॉजिक हैं बेस्ट रूट सेलेक्ट करने के, और वो लॉजिक कुछ नेटवर्क के पैरामीटर्स को या उनके उनके रिसोर्सेज की मैकेनिज्म को यूज़ कर कर एक सर्टन वैल्यू बनाई जाती है, एक एल्गोरिदम के थ्रू रन कर कर एक वैल्यू बनाई जाती है, और उन वैल्यूज में जो जिसकी सबसे कम होगी वैल्यू वो यूज करी जाती है। पहली बात लॉजिक सीधे सीधे सी बात है, इन विच सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो यू विल हैव द एडी वैल्यू सेम। या तो आपने पूरे नेटवर्क में चला रखा हो क्या वो एसपीएफ, या पूरे नेटवर्क में चला रखा हो खाली ये आईजीआरपी, या पूरे नेटवर्क में चला रखा हो क्या स्टैटिक, या फिर पूरे नेटवर्क में क्या चला रखा हो रिप, तभी एडी वैल्यू क्या होगी सेम। एडी वैल्यू को चेंज करने का पर्पस तभी आता है जब कोई एक सिनारियो, एक कुछ स्पेसिफिक सिनारियो है वहीं पे आप क्या करते हो एडी वैल्यूज को छेड़ते हो, अदर देन दैट आप उन एडी वैल्यूज को ये नहीं करते कि बैठे बैठे मेरा मन करा आज मैंने 110 कर दी, रिक्वायरमेंट आती है तभी चेंज करते हैं, ठीक है। और वो रिक्वायरमेंट जब तक नहीं आएगी जब तक आप रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखोगे, दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को आपस में बात कराने का मैकेनिज्म नहीं देखोगे तब तक रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आएगी। वन बताऊंगा मैं वही वाली बात है एग्जैक्टली, थोड़ा सा पेशेंस रखो तो फिर समझ में आ जाएगा। अब फिलहाल के लिए मानते हैं सबके अंदर क्या चल रहा है, मैं अभी इस सिनारियो को ना थोड़ा सा थोड़ी सी देर के लिए होल्ड पर रख रहा हूँ कि आपकी जो कंडीशन दी गई कि भाई एडी वैल्यू अगर 110 कर दी तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। हम लोगों ने चलाया क्या ओएसपीएफ पूरे नेटवर्क के अंदर, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी भी वैल्यू क्या हो गई। तो जब सेम एडी वैल्यू आएगी तो ओएसपीएफ क्या करेगा, ओएसपीएफ चेक करेगा अपनी मैट्रिक को, जो कि ओएसपीएफ कैलकुलेट करता है किसके बेसिस के ऊपर, लैंग्वेज
bandwidth of links rather, not just link, links. सोचो अगर आपका ये चल रहा है किसके ऊपर और ये किसके ऊपर चल रहा है, किसके ऊपर बैंडविड्थ ज्यादा अच्छी है? ओएसपीएफ की मैट्रिक भी कैलकुलेट कैसे होगी? कुछ ऐसे होगी कि ये बेस्ट रूट कौन सा यूज करे, ऊपर वाला, क्योंकि इसका मैकेनिज्म, इसकी मैट्रिक जो नहीं है वो यूज करती है बैंडविड्थ को, और बैंडविड्थ यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैट्रिक के. बैंडविड्थ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मैट्रिक के. अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो मैट्रिक क्या हो जाएगी? कम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बैंडविड्थ अगर ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगी? मैट्रिक कम. और मैट्रिक कम होगी तो प्रेफरेंस क्या हो जाएगी? हाई. अब दोनों जगह 100 हो जाती है तब दोनों जगह के ऊपर क्या हो जाएगी? मैट्रिक सेम. ऐसे टाइम के अंदर जब मैट्रिक भी सेम हो जाए, देखो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच भी सेम आ रहा है, एडी वैल्यू भी सेम आ रही है और मैट्रिक भी सेम आ रही है, राउटर सीधे सीधे किसके ऊपर आ जाता है? लास्ट लोड बैलेंसिंग. और बाय डिफॉल्ट कैसे ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा? कुछ ऐसे फॉरवर्ड करेगा, अगर एक पैकेट आया तो इधर से, दूसरा पैकेट आया तो, फिर तीसरा पैकेट आया तो, फिर चौथा पैकेट आया तो. और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं राउंड रॉबिन. इस लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम को बोलते हैं राउंड रॉबिन. एक आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ, ठीक है. सो तीन चीजें हैं ध्यान में रखना. पहली आती है क्या? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच. इफ दैट इज सेम देन एडी वैल्यू. इफ एडी वैल्यू इज ऑल्सो सेम देन मैट्रिक. इफ मैट्रिक इज सेम देन लोड बैलेंसिंग. अगर मैट्रिक भी सेम आ जाती है. अब आपके क्वेश्चन पर आते हैं. आपने बोला था कि अगर मैं मैन्युअली अगर चेंज कर दूं इसकी 110, कौन सी एंट्री है ये? स्टैटिक एंट्री की मैट्रिक वैल्यू हमेशा कितनी रहती है? मैट्रिक वैल्यू एडी कितनी रहती है? 1. मैट्रिक कितनी रहती है? इसकी मैट्रिक क्या होगी? जो भी, क्योंकि कुछ तो बैंडविड्थ की वैल्यू के बेसिस के ऊपर कुछ तो वैल्यू निकालेगा, हमेशा किसकी कम होगी? मैट्रिक. जीरो से कम जा सकती है? माइनस में नहीं जाती भाई. जीरो से कम जा सकती है? नहीं जा सकती. तो हमेशा रूट फिर भी प्रेफरेंस किसको मिलेगी? स्टैटिक एंट्री को, इवन इफ यू चेंज दी मैट्रिक. हाँ, जब एडी वैल्यू को आपने सेम से ऊपर कर दिया तब स्टैटिक की प्रेफरेंस खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मैट्रिक कब चेक होती है? जब एडी सेम हो तब. अगर एडी के ऊपर ही बिहेवियर चेक हो गया तो मैट्रिक पर जाएगी ही नहीं बात. क्लियर है? दोनों स्टैटिक हो तो फिर एडी वैल्यू कितनी आएगी? मैट्रिक कितनी आएगी? थर्ड चीज, फोर्थ चीज क्या आती है? बात समझ में है? क्लियर है? ये बहुत जरूरी है राउटिंग समझने से पहले. डिफॉल्ट आईटीएफ ने सेट कर रखी है एडी वैल्यूज, फिक्स है, इनको हम चेंज कर सकते हैं. चेंज कब करेंगे ये रिक्वायरमेंट, आप अगर आप सीसीएन भी थोड़ा सा पढ़ोगे तो तब आपको वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम के अंदर आपको लॉजिक समझ में आएगा. बहुत स्पेसिफिक है एडी को, नहीं तो हम छेड़ते नहीं है एडीज को ना. सीसीएनपी की राउट की बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के अंदर. रीडिस्ट्रीब्यूशन जब आप देखोगे तब आपको सेक्शन में, सीसीएन पहले पढ़ लो, उसके बाद में आपको मैं बुक तो दे ही रखी है, ये आप सेक्शन जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा एडी वैल्यू को कब चेंज करूँगा. वहाँ पर एक सिनारी होता है जहाँ पर लूप अगर हो सकते हैं, और लूप से बचने के लिए आप क्या करते हो? एडी वैल्यूज को चेंज करते हो, ठीक है. लूप से बचने के लिए लेयर 3 लूप अगर हो जाता है.
यहाँ पर आकर हम लोग बात खत्म करते हैं। अब कल हम लोग सबसे पहला काम आते पहले क्या करेंगे, स्टैटिक राउटिंग। पहले स्टैटिक राउटिंग के फंडा को समझेंगे, फिर उसके बाद सीधे सीधे प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल के साथ साथ ही मैं डिफॉल्ट राउट भी समझा दूंगा और डिफॉल्ट राउटिंग का क्यों यूज करेंगे जो आपने क्वेश्चन पूछा था, उसको भी लॉजिक क्लियर कर दूंगा। पाजी, हाँ सर, हाँ मैं इधर क्लास में ही था।